7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था। लेकिन इस हमले के बाद जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्ला तो वहीं दूसरी तरफ इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह उस पर हमला कर रहे थे। वहीं लाल सागर में इसराइल की मोर्चाबंदी यमन के हूती ने कर दी और इन सभी में से हूती ने इसराइल को सबसे ज्यादा चोट दी है। हाल ही में 12 जून 2024 को हूती ने लाल सागर में एमवी ट्यूटर नामक जहाज पर समुद्री ड्रोन से हमला करके उसे समुद्र में डुबो दिया था। इस हमले का मंजर इतना खौफनाक था कि जहाज चारों तरफ से धमाकों से गूंज रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि हूती अभी यहीं नहीं रुका है, बल्कि वो आगे इसराइल को कोई बड़ी चोट देने की तैयारी में है, क्योंकि हूती लगातार अपने समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं हूती के नए समुद्री ड्रोन तूफान अल मुदम्मर की, जिसे अरबी भाषा में तबाही वाली बाढ़ के नाम से जाना जाता है। अल मुदम्मर जून 2024 के महीने में वो चौथा विशेष हथियार है जिससे हूती ने पर्दा उठाया है। और लाल सागर में तूफान अल मुदम्मर इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए काल साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये समुद्री ड्रोन 1,000 से 1,500 किलो तक का हथियार या विस्फोटक ले जा सकता है। इसको लेकर यमन की मीडिया का कहना है कि ये यूएसवी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे मैनुअल और रिमोट कंट्रोल दोनों से चलाया जा सकता है और समुद्र में इसकी स्पीड करीब 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये समुद्र के हर वातावरण में हमला कर सकता है। और हूती ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर लाल सागर में तूफान अल मुदम्मर से ही हमला किया गया था। हूती के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे समुद्र में ये ड्रोन दौड़ता हुआ जा रहा है और सामने खड़े ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर जाकर ये हमला कर देता है, जिसमें जोरदार धमाके होने लगते हैं। आपको बता दें कि हूती ने 23 जून 2024 को ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर इसी ड्रोन से हमला किया था और इसके साथ ही हिंद महासागर में स्टॉल सिक्वेयर जहाज पर भी कई क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। आपको बता दें कि जून 2024 की शुरुआत में ही हूती ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था, जिसे उसने फिलिस्तीन बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया था। उसके बाद हूती ने तूफान वन समुद्री ड्रोन और इसके बाद हातेम 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। बड़ी बात यह है कि हालिया दिनों में हूती की हवाई और समुद्री ताकत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे सीधे ईरान का हाथ है। ईरान ने ही हूती को बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया कराई है, जिसके दम पर वो स्वदेशी मिसाइल और समुद्री ड्रोन बनाने का दावा कर रहा है।